हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेट मैट टिप्स। आज मैं आपको बच्चों में होने वाली बीमारियों के घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ। यदि आपके बच्चे को सर्दी जुखाम हो जाए तो रात में सोते समय बच्चे को तुलसी का रस बच्चे के नाक, कान और माथे पर लगा दें। अगर बच्चे की छाती में कफ जम जाए तो थोड़ा सा गाय का घी मले, कफ पिघल कर बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण गुड़ व घी के साथ मिलाकर चटाने से भी बच्चे की खांसी और जुखाम ठीक हो जाता है। अगर आपके नवजात शिशु को ठंड लग जाए तो रात में सोते समय तुलसी का रस उसके नाक, कान और माथे पर मले। ऐसा करने से शिशु को जल्दी ही आराम मिलेगा। ठंड लग जाने पर नवजात शिशु को शहद चटाएं, इससे उसे राहत मिलेगी। ठंड लग जाने पर या ठंड के मौसम में शिशु के सोने वाली जगह के आसपास कपड़े की पोटली में प्याज को कुचलकर बांधकर रख दें। ऐसा करने से भी शिशु को आराम मिलेगा। नवजात शिशु के शरीर पर हल्के हाथों से राई के तेल की मालिश करके कम से कम कपड़े पहनाकर सुबह के समय गुलाबी धूप में थोड़ी देर सुलाएं। इससे बच्चे को कभी भी सर्दी नहीं लगेगी और न ही कभी निमोनिया होगा। नहलाने से पहले शहद में नींबू का रस निचोड़कर बच्चे की छाती पर मले। यह बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए कवच की तरह काम करेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मददगार लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग।